जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है SSB भर्ती 2023, सशस्त्र सीमा बल SSB भर्ती। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो कर देना भैया, अगर आपकी योग्यता है तो। ठीक है, 10वीं 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है साथियों। ये सारे के सारे पद जो है ये कौन से है? डिग्री वालों के। तो तमाम बातें हम करने वाले हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है साथियों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के YouTube चैनल में। देखो भाई, ये तुम्हारी SSB भर्ती है, सशस्त्र सीमा बल, जिसमें महिला और पुरुष ऑल इंडिया में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी महिला हो पुरुष हो फॉर्म लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2023 है। 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। अब पद कौन सा है भाई? सबसे पहले ये देखो आप, असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन, यानी कि सहायक कमांडेंट संचार, इसका पद है भाई। और 13 पदों पे भर्ती है। कितने पदों पे? 13 पदों पे भर्ती है। ये अधिकारियों की भर्ती है, 10वीं 12वीं पास वालों का कोई मतलब नहीं है। फॉर्म मत भर देना भैया, फर्जीवाड़े से भी मत भर देना कि साहब वैसे लगा दिया, ले एक बार देखा वो जो है दिख ही जाएगी, फिर कुछ भी ना दिख ही जाए मंडी हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, मत भरना इसमें फॉर्म 10वीं 12वीं वाले। डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कौन सी होनी चाहिए साहब? डिग्री तो तुम्हारी देखो, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो फॉर्म भर दो, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो फॉर्म भर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो फॉर्म भर दो, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है भाई तो फॉर्म भर दो, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है तो फॉर्म भर दो। ये आदमी जो भी महिला पुरुष है, ये डिग्री जिन्होंने कर रखी है इंजीनियरिंग वाली, वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छी तरह से समझ लो। वेतन 56,100 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑफिसर की भर्ती है, कमांडेंट ऑफिसर हो आप, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें फिजिकल मेडिकल भी होगा, ये बात ध्यान रखना। और देखो भाई, फॉरम फीस तो भाई जनरल ओबीसी WS के 400 रुपए हैं, और SC ST और सभी की सभी महिलाएं, सारी की सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जनरल की हो, SC ST OBC EWS, कोई भी महिला हो, कोई फीस नहीं है, 0 रुपया। और SC ST का पुरुष और महिला दोनों 0 रुपया। ठीक है, 18 से 35 साल उम्र है, SC ST को 5 साल की छूट है, यानी कि SC ST वाले 40 साल के भी हैं तो फॉर्म भर देंगे, OBC वाले 38 साल के भी हैं तो फॉर्म भर देंगे। चयन कैसे होगा भाई? परीक्षा होगी तुम्हारी, एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे सर? 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे दोनों के दोनों। फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, और मेरिट लिस्ट जारी होगी। और जिस भाई बहन के पास NCC का B सर्टिफिकेट है या फिर C सर्टिफिकेट है तो उनको प्रथम प्राथमिकता है, यानी कि पहले उनको लिया जाएगा, उसके बाद में फिर दूसरों को लिया जाएगा। अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो B या C, ये दोनों, इनमें से कोई सा भी हो, उनको पहले प्राथमिकता। सारी सुविधा मिलेंगी, वेतन भत्ता आवास भोजन पेंशन मेडिकल सुविधा सब कुछ, रहना खाना सारी सुविधा मिलेगी। ऑफिसर को सारी सुविधा मिलती है भैया। अपेयरिंग वाले भर सकते हैं क्या जो अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं? ना, है बिल्कुल साफ मना कर दिया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अपेयरिंग वाला कोई फॉर्म नहीं भर सकता। हाथ में होना चाहिए, जब तुम्हारा फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उस समय तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए तुम्हारी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी है। ठीक, अच्छे से समझा रहा हूं, अब तो समझ लो ढंग से। और देखो फिजिकल क्या क्या होगा, फिजिकल में देखो, पुरुष और महिला, हाइट तुम्हारी 165 होनी चाहिए पुरुष की,
महिला की 157 होनी चाहिए, सीना 81 से 86 होना चाहिए, महिला का सीना प्रावधान है ही नहीं। और जो भाई बहन गढ़वाल, गोरखा, मराठा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वो वाला एरिया है, वहां के जो निवासी हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर महिला की भी है तो चल जाएगा, ठीक। सीना 79 से 84 सेमी चल जाएगा। आदिवासी जनजाति के कोई भी भाई बहन है, हाइट 157 सेमी पुरुष, 149.5 महिला, सीना 77 से 82 सेमी, और आंखें तुम्हारी 6x6 होनी चाहिए और टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू की दर होना चाहिए, देखो भाई टैटू की जैसे मान लो ये है हाथ, अब इस साइड में ये बाहर वाला साइड है तुम्हारा हाथ, इधर टैटू नहीं होना चाहिए तो किधर होना चाहिए, यहां है तो चल जाएगा, इधर है ना अंदर की तरफ तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बाहर की तरफ टैटू नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी है दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया है और आपको मिल भी जाएगा बांसु रोजगार के टेलीग्राम पे, आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों, www.ssbrect.gov.in ये लिंक है, इस पे भी जाके चेक कर सकते हो। इस पे नहीं भी जाओ लपड़ा लगे तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको नोटिफिकेशन दे दी है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो देर किस बात की, चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, और क्योंकि हम आपको हर चीज एकदम आसान और सरल भाषा में समझाते हैं और पूरे भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।